चंडीगढ़ इंडस्ट्री एरिया फेज 2 चो एक व्यक्ति कोलों भारी मात्रा दे विच कोकीन प्राप्त की गई है। दसिया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एरिया दी एक कोरियर कंपनी च एक व्यक्ति अपना पार्सल ऑस्ट्रेलिया कोरियर कराउन लई आया सी, जिस तो बाद उथे काम करन वाले एक नौजवान ने पार्सल दी चेकिंग कीती तां इस चो भारी मात्रा च कोकीन प्राप्त हुई। इस तो तुरंत बाद कोरियर कंपनी दे वलों इस दी सूचना पुलिस नूं दित्ती गई। पुलिस ने मौके ते पहुंच के पार्सल नूं अपने कब्जे दे विच लै लिया। इस मौके SSP चंडीगढ़ कुलदीप चहल भी मौके ते पहुंचे। फिलहाल जिस व्यक्ति दा ए पार्सल सी, पुलिस ने उस नूं गिरफ्तार करके हिरासत दे विच लै लिया। जानकारी मुताबिक इस व्यक्ति कोलों 10 किलो दे करीब कोकीन बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार दे विच कीमत 100 करोड़ दसी जा रही है। नवनीत, कहाँ पे जॉब करते हो और क्या कुछ हुआ आज? मैं अक्सर बड़बड़ी में को जॉब करता हूँ दिस एरिया में जी। तो आज एक आदमी एक शिपमेंट बुक करवाने के लिए आया ऑस्ट्रेलिया के लिए जी। तो जब हमने उसकी चेकिंग की, हमने देखा कि इसमें क्या क्या सामान है, हम लिस्ट बनाते हैं जी, क्योंकि ये हमारा जो ये सामान था वो फॉरन कंट्री जाता है जी, तो उसकी लिस्ट बनती है। तो हमने जब डब्बा खोला तो हमने जब लिस्ट साड़ गई, तो उसमें एक ना कोगलापन एक ट्रेन निकली लकड़ की, जिसमें कि हमने उसको फटका के देखा कि कोगलापन था। जब हमने उसको तोड़ा तो उसमें अंदर की एक कोकीन निकली जी। उसके बाद ये भागने लगा, तो हमने इसको भाग कर पकड़ा। उसके बाद हमने इसको पकड़ कर, हमने फिर उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जी। तो लगभग किस में थी ये कोकीन? एक लकड़ी की ट्रे में थी ये। तो ये जो कंपनी है कौन सी कंपनी है? एक्सेल बहुत बड़ी कोरियर कंपनी है। यहाँ से विदेश जाता है सामान? तो कितने लोग थे ये? एक ही बंदा था। मौके ते पहुंचे SSP कुलदीप चहल ने दसिया कि उन्होंने वालों गंभीरता नाल इस मामले की जांच की जा रही है। बताएंगे हमने कुछ कंट्राबैंड पकड़ा, कुछ सस्पेक्टेड है, वी आर वेरीफाइंग एंड आफ्टर वेरीफाइंग वी विल टेल यू पीपल कि इसमें है क्या। अभी ये तकरीबन हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि तकरीबन यहाँ पे जो कोकीन जो है तो सारा एक बार सीजर मैंने वो सारा बना के देन फिर आपको अपडेट कर। सर कितने पकड़े गए हैं सर? तो अभी इसमें तकरीबन 14-15 पैकेट है, बाकी चेक करके अभी बता। नहीं, रोकी सर? रोकी अभी एक लड़का हूँ।